स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर थर्ड, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, और इससे पहले हम दो तीन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वर्ड आपके लिए नया है, न्यू है। इसका आपने 10th में भी रेफरेंस पढ़ा होगा कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने के बाद में इसकी जितने भी एप्लीकेशंस हैं उस पर हम बात करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम ब्रॉडली यहाँ पे क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो पोटेंशियल वर्ड है ये कहाँ आपने सुना था? तो अगर हम पिछली प्रीवियस क्लासेस की बात करें तो आप लोग पढ़ के आए होंगे पोटेंशियल एनर्जी। हम बात करते हैं सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की। तो सबसे पहले बच्चों, हम लोग क्या पढ़ते हैं? पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। यहां हम चैप्टर थर्ड में बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब क्या है? हमने सबसे पहले जो पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था वो क्या था? पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा था। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन के कारण उसमें जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। मतलब मान लो ये हमारे पास ये मार्कर है, मार्कर ये जीरो पोजीशन पे है। जीरो पोजीशन का मतलब क्या है? ये स्थिर है, ये एक जगह पे स्थिर है, स्टेबल है। तो इसमें जितना एनर्जी होगी, जितनी भी इसमें एनर्जी है, उसी एनर्जी को क्या बोल देंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे। इसका मतलब क्या है? जीरो पोजीशन पर इसमें स्टोर्ड एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अब स्टूडेंट्स, ये देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी की तो हमने बात कर ली, अब हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। और उससे पहले हमें ये पता करना है कि कोई भी वायर है, उस वायर में चार्ज कैसे फ्लो करते हैं। क्या चार्ज खुद फ्लो करते हैं या फिर उनको फ्लो करवाने के लिए, मूव करवाने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। तो एक हमारे पास ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट मेक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस, व्हाट मेक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो? इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को कौन फ्लो करवाता है? ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन हमारा है एक्चुअली चार्जेस डू नॉट फ्लो इन अ वायर बाय देमसेल्व्स। अगर मैं ये कहूं कि किसी भी वायर में जो चार्जेस है वो खुद से फ्लो नहीं होते हैं, इसका मतलब क्या है? वो खुद मूव नहीं करेंगे। कोई ना कोई एक ऐसी क्वांटिटी है जो उसको प्रेशराइज कर रही है कि वो फ्लो होए, वो वायर में वो चार्जेस फ्लो हो, मूव हो, तो वो खुद फ्लो नहीं होते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई? सबसे पहले हमने बात की व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्जेस को कौन फ्लो करवाता है और क्या वह खुद फ्लो हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन में हमने बात की कि चार्जेस खुद फ्लो नहीं होंगे, और खुद फ्लो नहीं होंगे तो वो क्यों नहीं होंगे, क्या कारण है कि वो खुद फ्लो नहीं होते, और क्या कोई दूसरी क्वांटिटी उनको फ्लो करवाती है या नहीं करवाती है, और वो कौन सी क्वांटिटी है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस वायर के अंदर फ्लो होते हैं। तो ये दो क्वेश्चन जब हम समझ लेंगे उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसी पर ही बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें, एग्जाम्पल क्या है कि एक हमने वाटर टैंक लिया है। मान लो हमने एक वाटर टैंक लिया है और एक ट्यूब जो है वाटर ट्यूब उससे अटैच कर दी हमने। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां हम एक डायग्राम से समझेंगे
मान लो हमने एक वाटर टैंक यहां पर लिया है, ये क्या है? वाटर टैंक। वाटर टैंक में पानी भरा हुआ है और यहां हमने क्या अटैच किया है? एक वाटर ट्यूब अटैच की है इस तरह से, ये क्या है स्टूडेंट्स? वाटर ट्यूब। अब देखो इसके अंदर जो वाटर फ्लो हो रहा है उसको हम देखते हैं। देखो यहां पर जो वाटर फ्लो हो रहा है वो किसके कारण फ्लो हो रहा है, क्यों फ्लो हो रहा है? अगर हम बात करें, ध्यान से देखें कि अगर हम एक ट्यूब ले लेते हैं, वाटर ट्यूब इस तरह से, अगर इसमें कोई भी हाइट का डिफरेंस नहीं है, अगर इसमें कोई भी हाइट का डिफरेंस नहीं है, दोनों एंड एक सरफेस पे इस तरह से रखे हुए हैं, अगर यहां से हम पानी का फ्लो करवाना चाहें तो इधर पानी हम भेजेंगे तो ये बिल्कुल भी इसके अंदर फ्लो नहीं होगा। अगर हमने पाइप को थोड़ा सा ऊपर ले गए, इस तरह से हम इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, तो इतनी हाइट से, यहां भी देखो स्टूडेंट्स हाइट का डिफरेंस आ रहा है, इतनी हाइट पर ले गए तो हाइट के डिफरेंस से यहाँ का जो प्रेशर है, जो कि एक एंड पर लग रहा था दूसरे एंड पर लग रहा था, तो वो जो प्रेशर डिफरेंस है वो यहां पर काम कर रहा है और वाटर फ्लो होगा इस एंड की तरफ, ना कि ऊपर की तरफ। ये ऊपर की तरफ वाटर का फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर हाइट डिफरेंस आ रहा है, तो हाइट डिफरेंस आ रहा है तो प्रेशर डिफरेंस होगा, और प्रेशर डिफरेंस होगा तो जितनी हाइट पर वाटर है उससे कम हाइट की तरफ वो वाटर का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर हम वाटर टैंक ले रहे हैं और उसके अंदर पानी भरा हुआ है, यहां पर हमने इस पे वाटर जो ट्यूब है वो अटैच की है, तो इसमें किस तरफ से किस तरफ वाटर का फ्लो होने वाला है? हाइट ये है, इतनी हाइट पर, देखो ये सरफेस है और सरफेस की इतनी हाइट पर ये टैंक है, यहां तक पानी भरा हुआ है, तो हाइट की वजह से यहां पर क्या आएगा? प्रेशर डिफरेंस आएगा। प्रेशर डिफरेंस जो है वो कौन से एंड्स पर देखेंगे हम? इन दोनों एंड्स पर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर इस ट्यूब की हम बात करें तो इसके दो एंड्स हैं, ये फर्स्ट एंड मान लो और ये सेकंड एंड है। तो फर्स्ट एंड पर ये जो प्रेशर है, वाटर का जो प्रेशर है वो ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ये जो एंड है वो ज्यादा हाइट पर है, तो ये जो प्रेशर है वो इस तरह से लगेगा और ये जो वाटर है वो इस तरह से फर्स्ट टू सेकेंड एंड पर वाटर का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? वाटर जो है वो खुद फ्लो नहीं होता है, उसे एक प्रेशर की जरूरत पड़ती है, तो ज्यादा प्रेशर से वो कम प्रेशर की ओर इस तरह से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसी वायर में किस वजह से फ्लो होते हैं, तो वो किस वजह से फ्लो होंगे? यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रेशर डिफरेंस की और वहां हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो से रिलेट होता है। इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किया यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो वायर में क्यों फ्लो होते हैं, क्या वो खुद फ्लो होते हैं या फिर कोई और क्वांटिटी उनको फ्लो होने के लिए प्रेशराइज करती है। तो कौन सी क्वांटिटी हुई? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण किसी वायर में इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है, जैसे कि यहां पर वाटर फ्लो हो रहा था, किस वजह से? प्रेशर डिफरेंस के कारण। यहां पर प्रेशर डिफरेंस था, वहां होगा पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर वाटर का फ्लो हमने देखा है, वहां हम देखेंगे एक वायर में इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो। तो आइए आगे हम समझते हैं। अब अगर हम बात करें कि वाटर टैंक का जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसके अंदर वाटर का फ्लो था, तो वाटर का जो फ्लो होगा वो किस वजह से था? प्रेशर डिफरेंस के कारण। ये था प्रेशर डिफरेंस के कारण। और अब अगर हम बात करें कि कोई हमारे पास सर्किट है और उसके अंदर जो वायर है, वायर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो की बात हम करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो यहां पर काम करेगा इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर जो है वो किस वजह से डेवलप होता है, क्यों प्रोड्यूस होता है?
देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो P इक्वल्स टू F अपॉन A लिखते हैं। यहाँ पर जो F है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट एरिया पे काम करेगा, तो यहाँ पर वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक प्रेशर कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है? अब हम पोटेंशियल को समझ रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, हम एक पॉइंट लेते हैं ए। कोई भी पॉइंट पर जब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो एक अनादर पॉइंट भी हमें लेना पड़ता है एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट हमने ले लिया है इंफिनिटी पे। मान लो ये जो रेफरेंस पॉइंट है, ये जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है? इंफिनिटी पे है। ये हमने ले लिया है इंफिनिटी पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या बात करते हैं कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट जो है वो कहाँ पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। मान लो ये पॉइंट कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक ऐसा पॉइंट हमने ले लिया है जिस पर इन्फिनिटी से हमें एक चार्ज को, जो कि कैसा है? पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको लाने में जितना वर्क डन हुआ, जितना वर्क डन हुआ, वो वर्क डन ही क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी पे स्थित एक पॉइंट से कहाँ पर लाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड एक पॉइंट पर लेकर आना है। तो चार्ज को जब हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लेकर आते हैं तो क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। वही वर्क डन क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ये बहुत ही सिंपल है। देखो हमें क्या करना है, किसी एक पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना होता है और उस एक पॉइंट पर चार्ज को कहीं से लाना होता है। तो चार्ज को कहीं से लेकर आएंगे, इसका मतलब क्या है? चार्ज पहले किसी दूसरे प्लेस पर था, तो कोई दूसरा हमें पॉइंट जो है वो चूज करना पड़ेगा। तो वो हमने एज अ रेफरेंस यहां पर क्या लेते हैं? इंफिनिटी लेते हैं। तो इंफिनिटी से जब भी हम किसी चार्ज को लेकर आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड किसी पॉइंट पर, तो जितना उसको लाने में वर्क डन हुआ वही क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही हम क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। तो V वोल्टेज, वहां से हम इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? W अपॉन Q। इसका मतलब क्या है कि जो वर्क डन हुआ किसको लाने में? एक यूनिट चार्ज को लाने में। यूनिट चार्ज की अगर हम बात करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की हम बात करते हैं, तो यहां पर Q इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, 1 कूलॉम। तो अगर यहाँ पे 1 कूलॉम हम पुट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वही क्या है? वर्क डन के इक्वल आता है। इसका मतलब जैसे हमने डायग्राम में समझा कि इन्फिनिटी से हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड है। तो यूनिट चार्ज को लेकर आएंगे तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी हम कितनी लिखेंगे? 1 कूलॉम लिखेंगे। देन वी इक्वल्स टू डब्ल्यू हमें मिलता है। अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो यूनिट देखो इस फॉर्मूले से हम इसके यूनिट लिख सकते हैं। वर्क की यूनिट क्या होगी? जूल होती है। क्यू की यूनिट क्या होती है? कूलॉम होती है। तो जूल पर कूलॉम इसकी क्या हो गई? यूनिट हो गई। और क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वोल्टेज भी कहते हैं, इसलिए इसको हम वोल्ट, इसकी यूनिट जो है वो एक क्या हो जाएगी? वोल्ट हो जाएगी। जैसे फोर्स के यूनिट को हम क्या लिखते हैं? न्यूटन भी लिखते हैं, लेकिन इसके फॉर्मूला से इसकी यूनिट कुछ अलग आती है। फिर भी यहाँ पर न्यूटन किस वजह से आया? क्योंकि न्यूटन के नाम के ऊपर इसकी यूनिट पड़ी है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि ये जो वोल्ट है वो अलेजेंड्रो, अलेजेंड्रो वोल्टा, ये साइंटिस्ट थे, तो इनके नाम पर वोल्ट इसके यूनिट
मानी जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम दो पॉइंट्स लेते हैं, एक इन्फिनिटी और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा पॉइंट लिया जा सकता है। तो इन्फिनिटी से जब इलेक्ट्रिक चार्ज को, जो कि कैसा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको लाने में जितना वर्क डन हुआ, वही वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और इसकी यूनिट हम जूल पर सेकेंड या फिर वोल्ट लिखते हैं। और ये कैसे क्वांटिटी होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये एक अदिश राशि होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, देखो बच्चों, किसी भी क्वांटिटी में अगर हम डिफरेंस निकालें, मतलब क्वांटिटी एक है, दो पॉइंट्स पर अलग अलग उसके वैल्यू है, तो उन दोनों वैल्यू में से ज्यादा में से हम कम माइनस कर देते तो वो डिफरेंस निकल जाता है। अगर मान लो हमारे पास एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है। पोटेंशियल में हम दूसरा पॉइंट ले रहे थे इन्फिनिटी, क्योंकि एज ए रेफरेंस पॉइंट वहां पर हम उसका यूज कर रहे थे। लेकिन यहां पर पहले से ही हमारे पास दो पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू पता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल है वी ए, बी पॉइंट पर पोटेंशियल है वी बी। अब क्या करना है कि अगर किसी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी पॉइंट पर लेकर आना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। मान लो इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल क्या है, वी ए है, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, वी बी है। तो जिस पॉइंट पर हम जा रहे हैं, जिसके तरफ जा रहे हैं, उसमें से हम माइनस कर देते हैं पहले वाले पॉइंट का पोटेंशियल। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, W अपॉन Q लिखेंगे, और W के सफिक्स में हम यूज कर सकते हैं AB। W AB का मतलब क्या है, ये जो वर्क डन है वो दो पॉइंट्स A और B के बीच का वर्क डन है। और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं वो कैसे समझ में आता है, कि अगर हम A से B की तरफ जा रहे हैं चार्ज को लेकर, वर्क डन हो रहा है B की तरफ, तो VB माइनस VA करेंगे। अगर B से A आ रहे हैं तो VA माइनस VB करेंगे। और यहां पर क्या लिखा जाएगा, WAB ही लिखा जाएगा। AB का मतलब क्या है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वर्क डन हुआ है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस नॉर्मली पहले से ही मालूम है हमें कि दो पॉइंट्स पर पोटेंशियल कितना है, उन दोनों में से हमें क्या करना है, जो भी ज्यादा पोटेंशियल है उसमें से हम माइनस कर देंगे कम पोटेंशियल, तो वो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और अगर हम कम में से ज्यादा माइनस करते हैं तो वो माइनस में आ जाएगा पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला यहां पर बनकर आता है। अब अगर हम क्या बात करें कि बी पॉइंट पर हमने क्या लिया था, बी पॉइंट पर हमने वहां पर इंफिनिटी लिया था, तो इंफिनिटी पर अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया ही होगा कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है, क्योंकि वो इंफिनिटी है और उसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है कि वो वैल्यू क्या है, कोई भी वहां पर वैल्यू नहीं आती, सिर्फ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इंफिनिटी, किसी को भी उसकी वैल्यू मालूम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल वहां पर कितना होगा ये भी नहीं मालूम होगा। तो हम वहां पर जो पोटेंशियल है वो कितना मानते हैं, 0 वोल्ट मानते हैं, 0 वोल्ट। तो ये 0 वोल्ट पोटेंशियल होगा इंफिनिटी पर। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछा भी जा सकता है कि पोटेंशियल जो है इंफिनिटी पर कितना होगा। तो रेफरेंस पॉइंट में अगर हम बात करें इंफिनिटी की, तो इंफिनिटी पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात हो गई, फॉर्मूला वही यूज में आएगा क्योंकि पोटेंशियल ही तो है। तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो वही हमारा ये यहां पर फॉर्मूला है, सेम जूल पर सेकंड, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, वोल्ट बोल सकते हैं। ये क्या हो गई, इसकी यूनिट्स हो गई। और ये कैसे क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आज हमने किसकी बात की स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल में हम दो पॉइंट्स लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, दूसरा इन्फिनिटी पर। दोनों के बीच में जो वर्क डन होगा चार्ज को लाने में, वो होगा पोटेंशियल। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो पहले से ही दो वोल्टेज हमारे पास है, दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर
चार्जेस को कहाँ से लाया गया है, इन्फिनिटी से लाया गया है। तो दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब उन दोनों में जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस निकलेगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और फॉर्मूला हमने लिख लिया है, दोनों के सेम फॉर्मूलाज हैं, और डिफरेंस में हम इस तरह से माइनस कर देंगे। सेम जूल पर कूलम और वोल्ट इसकी यूनिट हो जाएगी। ये कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और वोल्टा अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पर इसकी ये यूनिट वोल्ट हम लिखते हैं। तो आज हमने बात कर ली पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस की, और हमने साथ ही क्या देखा कि किसी वायर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो खुद फ्लो नहीं होते, वो किसी प्रेशर से फ्लो किए जाते हैं, और वो प्रेशर क्या कहलाता है, उस वायर में उन चार्जेस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण वो क्या होते हैं, वहां पर फ्लो होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय।